केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को डॉक्टरों से देशव्यापी हड़ताल खत्म करने की गुहार लगाई है। बता दें, देश भर के डॉक्टर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ हुई घटना के बाद हड़ताल कर रहे थे, जिसे लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने उन्हें कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को रखा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनप्रतिनिधियों की मांगों को सुना और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। इस बैठक के बाद सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि सरकार स्थिति से अवगत है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील भी है। बता दें, 26 राज्यों ने पहले ही अपने राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण के लिए कानून पारित कर दिया है। एसोसिएशनों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सभी हितधारकों को प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।